ठीक है गाइस, अंशु के लिए जो है बादाम भिगो के रखे हुए हैं और अभी वो फूल भी गए हैं, मतलब पूरी रात भर भिगोए ना तो कितने अच्छे फूल जाते हैं वो। गाइस कितने एक पानी से धोने ये नोई छोड़ भी। हाँ जी, अच्छा क्या निकल रहा है? ये तो ऐसे ही था, साफ कर दिया। दाल धोड़ूंगी वो है ना, खाने मैंने ना खाई नहीं, फिर मैंने खा नहीं खाए, दंद पेड़ हो जाती। मैंने हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो मतलब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ही। कितने बजे है नन्ना? नन्ना टाइम कितना हुआ है? 7:10 हुए हैं। तो गाइस मैं अभी उठी, बस 5 मिनट हुए, मैंने ब्रश वगैरह किया लेकिन खाया कुछ भी नहीं है। तो नाना, मम्मी, नानी, भाभी सब उठ गए हैं, पापा उठ गए हैं, मैं और अंश सोए हुए थे। तो गाइस अभी मेरे चेहरे के ऊपर ना सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जस्ट अभी भी सूर्य ऊपर आए हैं, उनको आते ही मतलब जैसे मैं बाहर निकली ना दरवाजे से तो बड़ा मन खुश हो गया कि निकल गए हैं। अभी देखिए गाइस उधर से निकलते हैं हमारे सूर्य देव। तो ये झाड़ियाँ है ना, इसलिए जो है वो टाइम लगता है सूर्य देव को निकलने के लिए, नहीं तो सूर्य देव जो है बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो वो धीरे 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 ऐसे ऊपर आते हैं ऐसे। और गाइस कल ना बहुत सारा काम किया मम्मी ने, चावल रहते ना गाइस देसी, ये जो फैन दिख रहा होगा ना, चावल को साफ किया है कल। ये देखिए गाइस ये हमारे देसी चावल है गाइस, ये देखो कितने सुंदर से साफ ना हमारे खेतों के गाइस। ये वाले ऐसे रखे हुए हैं, इसको लेके जाएंगे आगे। तो गाइस इस तरफ से तो कितना अच्छा है ना, ठंडा ठंडा है अभी सुबह सुबह, लेकिन गाइस अभी पता नहीं हिमाचल में क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मतलब इधर भी ऐसे दिल्ली जैसे। तो गाइस अभी चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि सबकी चाय हो गई है, नाश्ता वास्ता सबका हो गया है और मैं ही रही हूँ किचन में। सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं और चाय बची हुई है गाइस, सबसे पहले पी लेती हूँ पानी, नहीं सबसे पहले कर लेती हूँ इंडक्शन को ऑन, तब तक चाय भी गर्म हो जाएगी। इसको ऑन कर लिया और पानी पीती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रश तो कर लिया है लेकिन पानी नहीं पिया हुआ है। तो अभी तो सुबह सुबह ठंडा आ गया है गाइस, दिन को नहीं इतना ज़्यादा गर्म आता है, नल का पानी भी ना अभी पता नहीं क्या हो रहा है हिमाचल में, भी गर्मी है सब ना मिल ले रही कम होने में। गाइस तो ठंडे पानी की रूटीन मैंने ना बहुत पहले से रखी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे ठंडा पानी पी लेना एक गिलास ना, फिर जाके जो है नाश्ता वास्ता सब कर लेना, मतलब कुछ भी खाना हो, बिस्किट चाय, आज तो कुछ मन नहीं है खाने का लेकिन चाय पीती हूँ, बिस्किट है लेकिन नहीं खानी है, इधर के रखो। ये देखो गाइस हमारे घर की फ्रेश बीन, भिंडी है फ्रेश बीन, आजकल ना फ्रेश बीन बहुत अच्छे से लग रही है, 2-3 सब्जियाँ खा ली हैं और रात को भी हमने ना फ्रेश बीन की सब्जी खाई, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी ना, बहुत टेस्टी लगनी थी। तो गाइस मैंने ना 2 फुलके खाए, इतने छोटे छोटे होते हैं, 2 खा ली और चावल भी खाए साथ में, लेकिन बहुत मज़ा आया रात का खाने का, जब मेरी पसंद का खाना बना हो, सूखी सब्जियाँ और जैसे मतलब मुझे अच्छा लगता हो, तो मैं ना थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही खाती हूँ, फिर मुझे बोलते हैं यार क्या गोलू मोलू होके जा रही है, गोलू मोलू तो यार गाइस खाना खाना तो फिर हो ही जाते हैं, गोलू मोलू होने में कोई ये नहीं होता है। अभी मैं कम भी कर रही हूँ गाइस, मेरा पेट तो कम हो गया है, इतना भी नहीं हुआ लेकिन हुआ है, फर्क तो पड़ा है। तो गाइस अभी ना चाय हो गई है गरम, अभी हम
करके पीनी है चाय। ये ले लिया हमने गिलास। तो गाइस हिमाचल में गिलास में चाय पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हिमाचल में ठंडी भी होती है, आजकल तो गर्मी भी आ गई है। कप भी है लेकिन कप में नहीं पीनी, इसमें ही अच्छी लगती है। लेकिन पकड़ कहाँ चला गया है, फोन के पीछे रखा हुआ है। तो दोस्तों जो भी नए आए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में। और अभी मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ गाइस, तो उधर भी रील बना रही हूँ, तो उधर भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वीडियो वायरल हुई है मेरी, दो तीन तो काफ़ी अच्छी जैसे हुई है, मतलब 2 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं। तो गाइस इतनी खुशी होती है ना कि नहीं यार, मतलब कुछ कर सकती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे बहुत वो देख के। तो बस मैं YouTube फैमिली से भी यही चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, मतलब जितना आपसे हो सके उतना। पूरे दिन में आपका टाइम का सिर्फ 5 मिनट तो दे सकते हो आप, तो सिर्फ ज़्यादा नहीं देखनी मेरी वीडियो, 5 मिनट देखा करो और प्यार बसाइएगा अपना बहुत सारा। और अभी हम पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय, तो हमने पकड़ ली है पकड़ से। तो गाइस हम मराठी में पकड़ी बोलते हैं उसको ना, तो इसलिए मुझे आदत पड़ी हुई है पकड़ पकड़। इधर बोलते हैं, मुझे ये क्या बोल रही है, इधर कुछ समझ नहीं आता है ज्यादा। चाय गाइस अब मेरा गिलास तो भर गया ना, तो इस गिलास को मैं इधर ही पी लेती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि गाइस अभी अंशु उठी नहीं है। और अंशु उठ जाएगी तो अंशु के साथ में देखना पड़ता है, तो वो सोई खराटे मार के। गाइस आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ अभी, पता नहीं क्या, खाना इतना सही खाती है ना, मतलब जैसे खाना भी खाती है, उसको दूध भी चाहिए, दूध वगैरह पी लेती है। उसने कह के गाइस गलती हो गई कि चावल खाए शाम को, तो फिर वो रात भर मम्मा दूदू मम्मा दूदू मम्मा दूदू। गाइस मैं बार बार उठ रही थी और टाइम देख रही थी मोबाइल में, तो मुझे ना 4 बज गए थे, इसलिए मैं जो आज तो बहुत ज़्यादा लेट उठी गाइस, जस्ट 5-10 मिनट पहले ही उठी हूँ। तो फिर कितना प्रॉब्लम होता ना, जैसे ही मुझे नींद आती है और वैसे ही अंशु मुझे उठा देती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसी आदत लगी, मैं सोच रही हूँ उसको अच्छी आदत डालनी है अभी, कि मतलब रात भर सोए रहे। फिर क्या होता है कि सामने वाला आदमी भी मतलब तंग नहीं होता है, पर नहीं अंशु को 6 महीने के बाद क्या गंदी आदत लगती है रात को 2-3 दिन बाद उठना, 2-3 दिन बाद। मैं सोचती हूँ कि 2 साल की हो गई है, अभी उसकी आदत जाएगी, अभी जाएगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है। वो जिस हाँ बोलते हाँ मैं आऊँगा, मैं खेला करूँगा अंशु के साथ ना, मैंने कहा तभी लगेगा, पता जब नींद का कबाड़ा होता है ना तब लगता है पता। अभी तो चलो मैं मायके में हूँ, तो सुबह मतलब आराम से उठे तो कोई फर्क नहीं होता है इतना, मतलब थोड़ा बहुत बोलते हैं मम्मी की सुबह जल्दी उठना है, वॉक भी करनी तो अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज करके भी मतलब बॉडी शॉडी जो है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन ससुराल में तो सुबह उठना पड़ता है, तब होते हैं ऐसे जाके उठती मैं है कैसे करती हूँ, नींद लगी होती है, आई मेरा मुंह देख के ऐसे हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रही। तो चलो अभी चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा हो गई ठंडी भी। तो गाइज आज मैंने सोच लिया कि सुबह सुबह ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगी आज मैं ना, क्योंकि बीच में मेरा ब्लॉग नहीं आया गाइज, क्योंकि ना टाइम ही नहीं लगा बनाने का। और हम ना चले गए थे मतलब मार्केट में ही गए हुए थे, तो मार्केट में नानी को कुछ सामान लेना था वो वगैरह लिया था हमने, और मेरा फ़ोन जो है घर में रह गया था, तो इस चक्कर में ब्लॉग भी नहीं बना, तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो आइंदा से आगे ब्लॉग आते रहेंगे, तो आप इंजॉय कीजिएगा दोस्तों मेरा ब्लॉग जो है। तो चाय पी लेते हैं अभी, मीठा मीठा चाहिए, मीठा मीठा। गाइज मैं एक बात बोलूँ, मैं इंस्टाग्राम की रील पता काम बनाती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह इधर ही है, किचन में ही है। आप सोच रहे होंगे यार किचन में, हॉल वील में बनानी है, नहीं तो बाहर बनानी है, क्योंकि हमारा जो है ना गाइज इधर पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर से दिखती है, तो वहाँ में जाके बनानी। लेकिन गाइज मैं ज़्यादातर रील ना इधर ही बनाती हूँ, क्यों बनाते हैं गाइज, क्योंकि मेरे पास ना मतलब फ़ोन का स्टैंड तो है, अभी तो मैंने स्टैंड भी नहीं लगाया हुआ है, फ़ोन का स्टैंड है लेकिन उसको रिंग नहीं है, रिंग लाइट बोलते हैं ना हम, वैसी नहीं है, तो वो ना मतलब चेयर के ऊपर नहीं पड़ती है। लेकिन ना ये देखो ऐसे दिख रही होगी ना, लाइट पड़ रही है इसकी खिड़की की, तो खिड़की की लाइट बहुत बहुत अच्छी पड़ती है, तो वो सीधा चेहरे के ऊपर पड़ती है, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर पड़ती है, तो बहुत सुंदर सा आती है रील, तो मैं इधर ही बनाती हूँ। मुझे अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया हुआ है कि आप दीदी कहाँ पर रील बनाते हो, किचन में,
किचन में बनाते हैं यार, किचन में नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना गाइस। रील कहीं भी बनाओ, वीडियो कहीं भी बनाओ, घर के कोने कोने में कहीं भी अपना तो है, बताना तो हमें है ही, है ना। तो गाइस क्या होता है कि अपनी पहचान बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सच्ची में। मैं स्टार्टिंग में सोचती थी ना, जैसे मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, वो वीडियो डालते थे तो उनके कितने व्यूज़ आते हैं गाइस, लाखों में व्यूज चढ़ जाते थे एक ही दिन में, है ना। लेकिन जब मैंने खुद स्टार्ट किया ना, तब मुझे पता लगा यार कितना टाइम लगता है ना। फिर मैंने उनके पुराने वीडियो देखे थे, वो मुझे मैंने अच्छे से देखा उनके, तो पता क्या बोलते हैं कि हम एकदम से ही नहीं वायरल हुए हैं, हमें भी 5-7 साल हो गए हैं तब जाके हमारी पहचान बनी है। ये तो एकदम सही बोला दोस्तों, एकदम सही, क्योंकि मैं खुद का ही देख रही हूँ, मुझे ना 1.5 साल कंप्लीट हो गया, मतलब 2 साल हो जाएगा दिवाली के टाइम में। तो अभी जाके उस टाइम से लेके अभी तक अभी बन रही है पहचान, मतलब कोई ना कोई मुझे जान रहा है कि नहीं यार इंडियन ब्लॉग अनुराधा भी कोई है यूट्यूब में, तो दिल खुश होता है कि नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही होता है, सब कुछ होता है। तो बस गाइज आपकी दुआ है मेरे ऊपर, बहुत कृपा बनाए रखो। और खुशी होती है गाइज व्यूज देख के कि जैसे ही मैं अपलोड कर लेती हूँ, मैंने बताया होगा पिछले ब्लॉग में कि गाइज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है मेरा, इधर 5G चलता है लेकिन पता नहीं क्या होता है, फटक से 3G 4G में आ जाता है, तो फिर वीडियो अपलोड नहीं होती जल्दी, लेट होती, दो दो दिन लग जाते हैं कई बार, तो पहाड़ों में होता ही रहता है गाइज। तो होगी बहुत सारी बातें सुबह सुबह, अभी तक खाना नहीं बना हुआ है गाइज ना, पता नहीं क्या बनाने वाले, दाल रखी हुई है और दिखाती हूँ मैं, और अंजी के लिए बादाम भी रखे हुए हैं, भीगने के लिए डाले हुए हैं गाइज। देखिए गाइस अंशु के लिए जो बादाम भिगो के रखे हुए हैं, और अभी वो फूल भी गए हैं, मतलब पूरी रात भर भिगोए ना तो कितने अच्छे फूल जाते हैं वो। तो गाइस एक बादाम नीचे गिरी तो इसमें डाल देते हैं, तो मैं इसको इसमें इतने सारे बादाम नहीं देती हूँ, सिर्फ 2 बादाम देती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा वो मांग ले तो 3 देती हूँ, तो साथ में खा लेती हूँ मैं भी और भाभी भी। और गाइस है देखो, भाभी ने लहसुन निकाल के रखा है, भाभी ने नहीं, नानी ने निकाल के रखा हुआ है। और गाइस देखो दाल डाली हुई है, किस चीज़ की दाल डाली है, राजमा है लग रही है मुझे, हाँ गाइस देखो राजमा है, राजमा की दाल है, लाल वाले राजमा है ये से, तो अभी तक उबाली नहीं है, ये उबाल लेंगे क्योंकि गाइस ना हाल ही पापा को भी छुट्टी है तो लेट से होगा। और ये अंशु के लिए दूध उबाला हुआ था गाइस, रात को उबाल के रख दिया था, तो पूरी रात भर मैंने यही पिलाया हुआ है गाइस। और अब इसमें बहुत अच्छी सी मलाई भी आ गई है, लेकिन मुझे मलाई पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो ना वो नहीं पीती हूँ दूध। और गाइस ये देखो, ये होता है हमारे इधर ना झोल बोलते हैं गाइस उसको, अयो चिपक गया है गाइस, इतना टेस्टी होता है ना ये वाला झोले देखो ये ऐसे। तो गाइस इसमें क्या होता है, चावल होते हैं, दही होती है, और आप किधर होता होगा तो गाइस दही का झोल तो मुझे बताना कमेंट करके। तो अभी बाहर ही है सब ना, और बस अभी इधर से ना बर्तन भी उठा लिए है मम्मी ने, क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि बहुत सारा इधर भरे रहते थे और इस टोकरी में भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इसको खाली कर दिया है अभी रैक को, और ट्रॉली में डाल दिया है अंदर उनके, ठीक है अभी चलते हैं गाइस हम बाहर ना। मेरी अंशु ने क्या क्या किया है बेचारे, बहुत काम करती है अंशु, अभी चलते हैं बाहर ना। अंशु को दिखाती हूँ गाइस, मैं अंशु कैसे सोई है, उठ तो नहीं जाएगी, उसके पास तो जाना ही नहीं, जब उठेगी तभी जाएंगे, नहीं जाना है उसके पास। मम्मी डाल रहे हैं मामे,
लकड़े मम्मी कमीज जस देर ब्लैंकेट सूखने के लिए रख दिया बुझिए रा सूख गए फूलर पो सूखी है इतने अच्छे थे लगे रे पता गाइस मौसम देखे हिमाचल में आज का धुंध जैसी पड़ी हुई है ना अभी वैसे ही हो रहा है गाइस धुंध जैसे मौसम रहेंगे आगे या नानी बैठे हुए हैं पी ली अम्मा चाय चाय पी ली मैं ही रही हूँ मतलब है ना मेरी चाय तो अभी भी खत्म नहीं है बहुत ज्यादा ले ली थी मैंने आ गई धूप इधर है ना गैलरी में गाइज नाना नानी कहाँ सोए थे बताऊँ मैं हजरे नानी गाइज देखो इधर सोए हुए थे बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था ना ठंडी थी है ना मौसम सुबह सुबह था है ना रूम में तो गर्मी हो गई है अभी गाइज दिल्ली वाले पंजाब वाले क्या करते हैं मेरे उधर है ना मतलब रिश्तेदार रहते हैं तो पता क्या बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि हिमाचल की आदत पड़ी होती है ठंडी ठंडी और वो वैसे उधर उनकी जॉब वगैरह लगती है तो वो पता क्या कहते हैं टेरिस में जाके सोते हैं ना स्लैब बोस होते ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है हाँ गाइज हमारे उधर भी करते हैं ऐसा मेरे ससुराल में महाराष्ट्र में भी करते हैं ऐसा आज धूप नहीं एक बार खा लगी अंदर धूप है पर बब्बी आ रहे गाइस ऊपर बाबू आई नहीं ऊपर आई नहीं ऊपर ये देखो गाइस आज हमारे बाबू ने पहना प्लाजो डट्ठू आज बन रही हिमाचली पहाड़ी है ना वाह वाह हाँ 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 मेकअप करने के लिए हम भी आते हैं आपके पीछे पीछे हमारा ब्लॉग बन जाएगा हाँ 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 क्रीम ही तो लगानी है आपने हम भी ऐसे करते हैं अपने ससुराल में सुबह सुबह नहा के आना फिर मेकअप तो गाइस ये वाले तो आप देख ही रहे देख ही चुके होंगे पहले पहले ब्लॉग में डाल रहे थे ना भाभी का रूम पूरा सफाई करने को है सुबह सुबह बन भी हो जाता है पता है ना सुबह सुबह बन भी हो जाता है नहीं तो फिर नहीं होता चाय पी ली ये पीती कि नहीं पीती मैं तो पी ली तो और पास सीधा सुना थोड़ा थोड़ा ओ मांग में जो भर जाए जिंदगी सफल जाए सच है ना कुमकुम से फजन ए ले कौन स्टाइल है नया मैं देख रहे स्टाइल खुद की फिर नहीं निकलना है ना आई दी बड़ा सोहना प्लाजो पहने वाह 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 हमारी भाऊ छोटा छोटा भाऊ 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 मराठी में बोलते हैं भाऊ हाँ हाँ भाबू मैप देखने लगते कल ना छाड़ूंगी कोई है नहीं तो है
ले रही तो सही ऑनलाइन गए रही ले रही कितने आ याद नहीं ब्याज ले थी मैं बुला रही कल देखना ना कितने अच्छी लिपस्टिक है ना अच्छा ज्यादा ही दिन ले रही तुझे लाल लूल कलर केड़े होंगे तो सारे रहे अच्छा अच्छा हाँ मैं भी देखी थी तब मुझे ना क्योंकि ये शैल रही दूजी है मुझे अब पसंद नहीं लग रही आने से तो लिक्विड वाली आ सेक वाली लग गई सूखे अंदे है ना हाँ एक वाली लग दी अजीब जैसे लग आए हैं हो गया मेकअप दिखा दो तो कंगी नहीं करी कंगी कुछ नहीं होता कंगी कर लेंगे बाद में गुड्डू तू मत देखा कर इतना प्यार से फौजी की फौजन है ये गुस्सा हो जाएगा फौजी है ना हम भी चलेंगे आपके साथ साथ किचन में पन्नू पन्नू की चोटी अंशु की तरह आज मैंने सोचा भाभी का ही वीडियो क्यों ना बनाया जाए तो थोड़ा अस्से कर लेना थोड़ा अस्से कर लेना आज क्या हम बता चुके हैं राजमा उबालने वाले है ना राजमा बड़े छो या दुबली कर फूली है ना उबली रही नहीं सोरी क्या बोले बिगड़ा पाए रे बिगड़ा लगे माचला रखान भन्ना नहीं आती शर्म बिरम ए बाबू आए लगे माचला दाल कन भत्त बनना है ना चौल खाने बोला है ना और गाइस मैं ना अपने मतलब जहाँ मेरा ससुराल है ना महाराष्ट्र मैं जैसे एक भर के कुकर बनाऊंगी ना तो मैं मुझे ना 4-5 दिन खाना पड़ेगा कोई नहीं खाता है कोई नहीं और इधर ही कुकर जो है ना खत्म हो जाएगा गुड मॉर्निंग तो बोल दो बाबू गुड मॉर्निंग जी अंशिस हुई है अभी तक उसने मुझे रात को बड़ा भारी परेशान किया है बहुत मजा आया है ना मामी के पास सुलाना उसको आज रुक जाओ एक दिन तो ड्यूटी लगानी पड़नी है ना दूध मम्मा दूध मम्मा दूध मम्मा दूध पूरा बंद क्यों किया क्या किया मैंने पूरा बंद नहीं क्या किया तो दूध ये मैंने दिखाया ना फिर हो गया मेरे से बंद चल पड़ी गैस चूल्हा क्या क्या डालोगे इसमें हल्दी और नमक हल्दी हल्दी नमक और तेल की 2 बूंदे नमक चावल बनाने ठंडे आज ना बनाने हैं या तेल बस अभी ढक्कन लगाएंगे गैस देखो पहाड़ों में कैसे बनाते हैं दाल राजमा की उबालने के लिए इतना सब कुछ डाल दिया किसने बताया आपको तड़का लगाने के लिए बाबू कौन सी वाली मम्मा ने सारली वाली मम्मा ने ये तो हम सारली में सीखे हाँ दाल तो फिर आती है ना लग गया सिटी आ जाएंगे थोड़ी देर में सिटी अभी क्या करोगे चावल तो ठंडे ही है कोली ने नहीं क्या लेने बट शाल में अब 10 से साफ है जड़ा से भारी है मतलब हम आएंगे आपके पीछे ओके आपको करेंगे हम फॉलो बैक करेंगे आपको इंस्टा में है ना गाइस चावल लगा रहे कितने डालने इस पूरी फैमिली के लिए ऐसे
ऐसे। बाबो हमें भी बताओ, चावल लगा रहे हो? चावल धो रहे हो? दिखाना ऊपर ऐसे चावल कितने, एक पानी से धोने ये नोई छोड़ भी। हाँ जी। अच्छा क्या निकल रहा है? ये तो ऐसे ही था, साफ कर दिया। दाल धोड़ूंगी वो है ना, इंडक्शन में लगानी है। वाह वाह, गर्म पानी का स्टाइल अच्छा है। फटक से ऑन करो और गर्म पानी ले लो, फिर चावल डाल दो, चावल पक जाएंगे। चाय भी लेनी थी तो साथ में। चाय भी लेनी थी साथ में, चाय के साथ हम रोटी खाएंगे। मैंने भी देखा पर मुझे फिर मन ही नहीं किया, मैंने सोचा बिस्किट खाने, मैंने ना खाई नहीं, फिर मैंने नहीं खाए, दंदा पेड़ हो जाते। मन था सन चबड़ो मजा तो फ्रश भी ना भात खा रहे ना, आलू भी तो पेट रज रहे। हाँ दो फुलके खाए रहे मैं, कुछ नहीं इधर भी हो जाता था। बस अभी तड़का मारना और है ना, अभी कैसे मारना? हाँ मतलब ये उबल जाएगा तब तक तड़का नहीं काटना। लहसुन तो निकाला हुआ ही है, लहसुन ड्यूटी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो फिर हमें रोटी भी बनानी है। नहीं जाएंगे वो, बजरी डालने का सोच रहे तो कहाँ जाएंगे। ही हे अंशु उठ गई, हमको जाना पड़ेगा, इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे थे। नॉर्मल गर्म भी होगा तो ठीक है, वैसे पानी ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा डाल देना, ज्यादा ना कर दूं बंद। मम्मी तो रख देना था बाबू इसमें इंडक्शन में। अंजी आ रही गुड्डू, हाँ जी ये लग गई दाल, ये लग गए चावल, तो हो जाएगी अभी थोड़ी देर में चावल दाल, फिर खाएंगे हम खाना। तो अभी हम चलते हैं अंशु के पास। मम्मी मम्मी आ रही हूँ मेरे बच्ची, कहाँ है मम्मा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरी गुड्डू, कहाँ है मेरी फ्रॉकी वाली गुड्डू, ने लिए है इतने सारे ब्लैंकेट। अग मेरे छोड़ा छोड़ा पुत गुड्डू, गुड मॉर्निंग तो बोल दो मम्मा यूट्यूब फैमिली को। मम्मा नहीं बोलना, बोल दो नींदी में ही है। फिर मम्मा मम्मा क्या चिल्ला रहे हो आप, शरारती शरारती गुड्डू, शरारती गुड्डू। गाइस मुझे ना पूरी रात भर काम के लिए लगाती है, अपनी सेवा करवाने के लिए बोलती है पीठ खुजा नहीं तो कान खुजा, तब जाके नींद आती है अंशु को। उठ जाओ मम्मा, गुड मॉर्निंग बोल दो, उठ जाओ। खाना खा रहे हैं कि खा बैठे? हाँ पी लो। तो गाइस हमने जो है ना थोड़ी देर रेस्ट कर ली, फिर हम जो है चावल भी बोल खा लिए था हमने, तो हम खा रहे हैं अभी रोटी। दिखाओ बाबू रोटी, ये देखो गाइस दाल और रोटी, तो मतलब पेट भर गया था हमारा। और मम्मी दे रहे हैं घी, घी दे रहे हैं पर डब्बा पूरा खाली कर दिया है अन्नू के पापा ने, इससे भरना। तो देखो गाइस हमारे फुलके, इसमें घी लगा है। चलो फुल ना। और हमारे दादी भी आए हैं, तो हमारे दादी सो गए हैं, नन्ना वो खा बैठे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू दिन के शुरुआत के साथ। तो ठीक है, बाय बाय।